सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पैलाग और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। सो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग भी बहुत मस्त है। सो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह के 8 बजे। बाकी झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया है और अब मैं करने वाली हूँ काम और दिखाती हूँ आज का मौसम। तो देख सकते हो आज का मौसम कुछ इस तरीके का है। पूरा आसमान कोहरा से भरा हुआ है और थोड़ा बहुत ठंडा भी स्टार्ट हो चुका है पहाड़ों में। खेत वगैरह आधे खाली हो चुके हैं, थोड़ा बहुत और बचे हुए हैं। तो खेत खाली होने के बाद मम्मी थोड़ा बहुत भट वगैरह भी ला गई है। इसमें भट हो रहे, देखो भट के दाने। फिर खाएंगे भट के डुबके और भट के छुटकानी। ये देख सकते हैं इसमें भट हो रहे हैं। फिर इसके बाद इनको सुखाने के बाद छूटा जाएगा, तब जाके इसमें से भट निकालेंगे। तो अभी चाय वगैरह तो मैंने पी ली है और अब मैं जा रही हूँ अपनी क्यारी में। वहाँ मुझे लगाना है लहसुन, क्योंकि कल मैंने खोद रखा था और एक दिन खोदने के बाद सुखाने के लिए रखा था। तो मैं लेके जाती हूँ बीज वहाँ पर और दिखाती हूँ आप लोगों को भी। दीदी क्या बना रही है, क्या बना रही हो? ओ आज फिर से भट के डुबके हम खाएँगे। कल तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, आज भी टेस्टी होना ना। मेरी नज़र लग गई तुमको। कोई बात नहीं, टेस्ट आना चाहिए बस। गाइस इसमें रखा है मैंने लहसुन बीज वाला और ये भैया मुझे छील के देगा। तो फटाफट इस पर क्यारी में डाल देती हूँ गोबर और इसे मैंने लेके जाई हूँ लाई वगैरह। तो फिर इसमें लाई भी बोलूँगी मैं। यहाँ पे हमारा गोबर रखा हुआ है और इसमें से जो बारीक वाला गोबर होगा वो डलिया में लेके जाऊँगी और फिर खेत में डालूँगी। तो ये वाली वो क्यारी है जिसमें मुझे लहसुन वगैरह लगाना है और इतना हम खाद में लेके आ गए। तो फटाफट से मैं इसको फैला लेती हूँ, उसके बाद पूरे से अच्छे तरीके से सफाई करनी है। भाभी कह रही है तुम वीडियो बना रहे हो। चाल गया चाय। तो यहाँ पे मैंने पूरी क्यारी की सफाई कर ली है और एक डलिया पूरा कूड़ा निकला हुआ है, जो घास की जड़ बची हुई थी वो सारा। तो इसको मैं साइड कर दूंगी। फटाफट से लाइनिंग निकालती हूँ लहसुन के लिए। तो गाइस क्यारियाँ बनाने के बाद मैंने नहा धो के मैं दुकान के लिए रेडी भी हो चुकी हूँ। बाकी मैंने नाश्ता वगैरह भी कर लिया है और अभी हम निकलने लग गए हैं दुकान की ओर। तो भैया लेके आ रहा है गाड़ी पीछे से और मुझे आगे आ गया है जिससे, और मैंने अपने बैग भी डाल लिया है। तो आज स्कूटी चलाने वाली है दीदी। क्या आप स्कूटी चलाने के लिए रेडी हो? क्या आप स्कूटी चलाने के लिए रेडी हो? जो बस किना है जब मैं तेरे से ऐसा बोलूँगी ना तभी जाके तू ये कर पाएगी, पता है तुझे? तो मैंने तुझे क्यों बोला है, सब तुझे पता है कि तेरी मस्ती ना है, पता है कुछ? तो मैंने इसलिए बोला। गाइस इसको बोलते हैं ना कि जब चार लोग बोलते हैं कि आपकी बस की नहीं है कोई भी काम, मतलब हम कोई काम करते हैं तो बोलते हैं कि ये तुम नहीं कर पाओगे, और वही काम करने में मज़ा आता। तो इसलिए मैं इसको टारगेट कर दूँ कि इसका बस की नहीं है, इसीलिए जल्दी सीख पाएगी स्कूटी। तो जल्दी ही दीदी भी सीखने वाली है स्कूटी। आर यू एक्साइटेड? यस यस। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं दुकान पे। दुकान में पहुँचने के बाद रोज की तरह दिया धूप झाड़ू पूछ वगैरह सब कुछ हो गया हमारा, और आज भैया भी हमारे साथ आया, भैया बैठा हुआ वहाँ। तो अभी मेरे पास आया रखा है कि कीपैड वाला फ़ोन, तो इसका ना माइक काम नहीं कर रहा है, इसमें वन साइडेड आवाज़ हो रही है, मतलब उसकी प्रॉब्लम हो रही है। तो उसका माइक में फटाफट से चेंज करती हूँ।
गाइस मेरा काम हो चुका है कंप्लीट। और इसका माइक खराब था, ये रहा इसका माइक। तो ये जो होती है ये आउटगोइंग कॉलिंग के लिए होती है। तो गाइस माइक तो मैंने चेंज कर लिया है, जैसे कि मैंने आप लोग को दिखा दिया किस तरीके से मैंने माइक चेंज करा। तो काम वगैरह हो चुका है, बाकी दूसरा काम भी आया था वो भी मैंने कर लिया है। और अब ये छोटा मोटा व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप व्लॉग आपको पसंद आए। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक आप बने रहे मेरे चैनल मिनी व्लॉग्स पे। तब तक के लिए बाय बाय, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।